सीपीओ सुजानगढ़। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे श्रीमती कौशल्या जी गुलेरिया बामासा और हमारे पूर्व में अध्यापिका। विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री जौहर सिंह जी, वरिष्ठ सारी शिक्षक सेवानिवृत्त और इस कार्यक्रम के बामासा के तौर पर, उनसे भी निवेदन कि वे मंच पर पधारे। हमारे विद्यालय के संरक्षक और बामासा श्रीमान पवन कुमार जी धोनी से, जिसे भी निवेदन कि वे विशिष्ट शुभारंभ करेंगे। श्री योगेश जी सविता, कौशल्या जी हमारे साथ शिक्षिका थे विगत सत्र में उनका सेवानिवृत्त, लेकिन इस विद्यालय के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने टीटी टेबल प्रिंटर, हमेशा इनसे अपेक्षा रहती है कि हमें जब भी हमें आवश्यकता होती है सहयोग देने के लिए हमेशा मैडम जी तैयार रहते हैं। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री पवन कुमार जी धोती का स्वागत करने के लिए श्री गणेश जी पर्दा पर। अब इस बारी अपनी सेवाएं दी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। वो प्रस्तुत करे अतिथि का स्वागत करे रूपा। प्रतियोगिता के इस समापन समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह है कि मुख्य अतिथि के रूप में आज हम लोगों को के बीच में आशीर्वाद देने के लिए बताए रामराव मंदिर, जो कि चोरू से चला करके यहाँ पर आए हैं। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संरक्षक और ब्लॉक के सीपीओ मैडम श्रीमती सुनीता जी कोनिया। हमारे विद्यालय की शिक्षिका और भामाशाह और हमेशा आशीर्वाद प्रदान करने वाली कौशल्या जी गुलेरिया, इस विद्यालय से ही रिटायर्ड वरिष्ठ शारीरिक श्री जवाहर सिंह जी टीचर और विद्यालय के जो हमेशा से ही भामाशाह प्रतिनिधि और भामाशाह है पर्यटक के मुख्य अतिथि श्रीमान रामूराम जी बुंदेला, डिप्टी डीओ शारीरिक शिक्षा
से निवेदन करूंगा कि बच्चों को प्रेरणा पर उद्बोधन दें, कुछ खेलों के बारे में उत्साहित करने वाली जानकारी प्रदान करें श्रीमान बुंदेला जी। जिला स्तरीय वेटलिफ्टिंग खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मंचा सिंह, संयोजक प्रधानाचार्य श्री रणवीर सिंह जी, श्री सीबीओ श्री सुनीता जी, भामासा मैडम जो रिटायरमेंट है इस विद्यालय के, मैं मूल धारक मैं भामासा ही कहूँगा, कौशल्या जी, गुलेरिया जी, कौशल्या गुलेरिया जी, और हमारे इस खेल क्षेत्र से जुड़े हुए जवाहर जी कीचड़ साहब, मेरा साथ काफ़ी दिनों से रहा है, खो खो में महान थे, खेलों से जुड़े हुए थे, और आज ये भामाशाह के रूप में स्टेज पर विराजमान है, मैं इनका हार्दिक रूप से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे मेहमान हमारे पिता तुल्य श्रीमान पवनदीप चौधरी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जो आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इसके लिए भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। हमारी टीम जो रात दिन मेहनत करती है उनको भी मेरा सलाम। खिलाड़ी छात्र छात्राएं, मैं आपको वेटलिफ्टिंग के बारे में बता रहा हूं। हमारे वेटलिफ्टिंग के छात्र स्टेट में भी मेडल प्राप्त करते हैं, राज्य स्तर पर जाते हैं और मेडल लेते हैं, और नेशनल में पिछले साल सर प्रधानाचार्य जी नेशनल भी कैंप हमारे यहाँ चूरू जिले में राजगढ़ में स्थापित हुआ था, लेकिन सुजानगढ़ के सारोटिया में हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये प्रतियोगिता हो रही है। माँ सरस्वती के इस मंदिर में माँ को नमन, मैं मेरे माँ और पिताजी को भी नमन करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बच्चे उत्सुक हैं अपने पुरस्कार पाने के लिए। मैंने जो है या मेरे परिवार ने थोड़ा सा जो सहयोग दिया वो सहयोग आप लोगों के कारण से ही है, विशेष करके इस वेटलिफ्टिंग में ही मैंने क्यों दिया, क्योंकि जिस दिन मुझे ये पता चला कि वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता किसी भी में हो रही है, उस दिन मैंने यहाँ के प्रभारी शारीरिक श्री रामेश्वर उनको मैंने निवेदन किया था, भामाशाह के लिए हम सामने जाते हैं, मैंने इनको निवेदन किया था कि इस प्रतियोगिताओं में मेरे परिवार के द्वारा आर्थिक सहयोग देना चाहता हूँ, और ये मैंने मेरे माता पिता को श्रद्धांजलि नहीं दी अभितु एक बहुत बड़े महान मेरे गुरु जी हैं उनके भी चरणों में नमन किया है। मैंने वो नमन इसलिए किया है सन 1972 में, उस समय मैं मेरे प्रभारियों को प्रभार देकर के निश्चित हो जाता था, मगर ये किए जाते हैं वो गलत है, कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया, तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि अधिकारीगण के भी हाथ में नहीं, क्योंकि Thank you.
Thank you.
राजकुमार जी तमर जो कि अभी जादूदिया स्कूल के अंदर है, ये मेरे टीटी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी जो है ना वो है, और टीटी की टीम में सारी की सारी इन्हीं के सानिध्य में जाया करती थी। रामचंद्र जी सोनी, अगर रामचंद्र जी सोनी नहीं है, लाल जी ढेलवाल, मुन्नालाल जी ढेलवाल जो भी मंच पर उपस्थित है, मैं हूँ, चलिए मैं नाम पुकारता हूँ, मुन्नालाल जी ढेलवाल, गणेश जी प्रजापल जो कि शारीरिक शिक्षक के रूप में हमेशा काम देते थे। अनिल जी यहाँ पर किसी भी स्कूल में रहा है तो मेरे ये जोड़ी सलामत रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ में मेडल बनाकर और एक मोमेंट और सम्मान पत्र देकर के मुन्नालाल जी ढेलवाल का नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज 68वां जिला स्तरीय प्रोग्राम समापन हुआ और सभी के द्वारा आज इस झंडे को नीचे करके इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया।